सागर जी महामुनिराज जी की जय। जय 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 बोलिए। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय। जय जय मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज जी की जय। जय जय मुनि संघ की जय। जय जय प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेय शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, यह कार्यक्रम अपन प्रारंभ करें उसके पूर्व अपन चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, मुनिसंघ के चरणों में नमोस्तु निवेदित कर आशीर्वाद की मंगल भावना को लेकर के। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव ने न जाने कितनी शंकाओं का समाधान किया, आज शंका समाधान करता के रूप में जो पर्याय बन गए हैं। आज अनेक साधु संत भले ही शंका समाधान कर रहे हों पर प्रणेता तो पूज्य गुरुदेव ही है जिन्होंने असंख्य शंकाओं का समाधान किया है। आज ऐसे गुरुदेव के चरणों में बैठ करके हम अपनी शंकाओं का निवारण कर रहे हैं। तो चलिए संगस्त साधु से साधुओं से अपन निवेदन करें, उसके लिए मैं निवेदन करता हूं। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है आज गुणायतन से अनेक लोगों ने अपने आप को सम्बद्ध किया है, चाहे वो ट्रस्टी के रूप में हो, चाहे वह निर्माण योजना हो या कि सदस्य योजनाएं हो। तो आज जिन्होंने अपने आप को सूत्रधार के रूप में जोड़ा है ऐसे श्रीमान किशोर जी, अंजू जी बड़जात्या, अंकित जी, अक्षिता जी, अंकिता जी, अंकुर जी जैन मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से जोरदार ताली बजा करके हम इनका अभिनंदन करते हैं जिन्होंने आज अपने आप को सूत्रधार के रूप में जोड़ा है। वहीं बंधुओं, आज मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं यहां उपस्थित है जो निर्वाण सारथी के रूप में जुड़े हुए हैं ऐसे श्रीमान नरपेंद्र सिंह जी, श्रीमती विनोद जी नोएडा उत्तर प्रदेश से। मैं निवेदन करता हूं अगर यहां उपस्थित हैं तो मंच के निकट आएं, जोरदार ताली बजा करके हम उनका अभिनंदन करते हैं। परिवार अगर यहां उपस्थित, चलिए ठीक है। बंधुओं, वहीं जिन्होंने ना कि सिर्फ निर्माण योजना हो या कि सदस्य योजना हो, जिन्होंने जीवदया के क्षेत्र में भी अपने आप को आगे लाया है और जिन्होंने एक ट्राली भूषा गौशाला के लिए समर्पित किए हैं ऐसे अदिति जैन सुपुत्री श्री अरुण कुमार जी जैन दिल्ली से, वहीं श्रीमती सुशीला जी जैन स्वर्गीय धर्मपत्नी श्री मणिपाल जी जैन दिल्ली से जोरदार ताली बजाकर हम इनका भी बहुत 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 बंधुओं अभिनंदन करते हैं। और अब अपन चलते हैं सीधे पूज्य गुरुदेव के चरणों में, उसके लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य मुनिवर पूज्य छुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए कि महाराज श्री आपके मुखारविंद से शंका समाधान का आगाज हो, ऐसी आपसे विनती करते हैं। इच्छा महाराज त्रयमुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में महेश जी जैन सागर से नमोस्तु करते पूछ रहे हैं महाराज श्री कि मैं 2 माह पहले शासकीय सेवा से निवृत्त हुआ हूँ, मेरा लक्ष्य बाकी जीवन में धर्म कर अपना आगामी भव सुधारना है, मैं यहाँ से शुरुआत कैसे करूँ क्योंकि जब स्वाध्याय करता हूँ तो या तो समझ में नहीं आता या जल्दी भूल जाता हूँ, तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छी बात है, सेवा निवृत्ति के बाद आपने निवृत्ति की बात सोची है और ऐसी भावना सबको होना ही चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने 60 साल तक सांसारिक जीवन जिया है तो शेष जीवन तो परमार्थ में नियोजित करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से उन तमाम लोगों से एक संदेश देना चाहता हूँ जो सेवा निवृत्ति के दौर से गुजर रहे हैं, सेवा निवृत्त हो चुके या जिन्हें जल्दी ही सेवा निवृत्त होना है, उनसे मैं कहूँगा आप निवृत्ति की ओर बढ़े, प्रवृत्ति की ओर नहीं। घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें, बच्चों पर दायित्व सौंपना शुरू करें और खुद के प्रति खुद के उत्तरदायित्व को स्वीकार करें। अपना अधिकतम समय धर्म ध्यान के साथ बितावें और घर परिवार में अब मालिक की तरह न रहकर मेहमान की तरह रहे। अपनी भूमिका मार्गदर्शक की होनी चाहिए, मार्ग निर्णायक की नहीं। तुम्हें जितनी हमारी ज़रूरत है समय अनुसार हम तुम्हें सहयोग दे सकते हैं और सहयोग देकर एक दूसरे के साथ निभा करके आगे चलने की कोशिश करनी चाहिए।
कोशिश करें जीवन में संयम साधना बढ़ाने की। अब जीवन भर अपने सेवा के काल में हो सकता है कोई त्याग संयम न ले पाए हो, अब अभ्यास कीजिए रात्रि में चारों प्रकार के आहार के त्याग का, भगवान की पूजा आराधना का, दो वक्त सामायिक का, स्वाध्याय या प्रवचन जरूर सुने जिससे मन को खुराक मिले, हृदय में वैराग की भावना जगाएं, कोशिश करें अष्टमी और चतुर्दशी को एक आसन करने का अभ्यास करने की यदि आप शरीर से पूरी तरह स्वस्थ हैं। विरक्ति का भाव अपने अंदर में जगाएं और उसे उत्तरोत्तर बढ़ाएं और एक लक्ष्य बनाकर जिएं कि मेरा अंत अस्पतालों में आहें भरते हुए न हो, गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए हो। बस ये भाव अगर बना के चलेंगे तो ये जीवन का बड़ा आनंद होगा। अगर आपके पास इसके बाद भी समय बचता है और ऐसा लगता है कि अब मुझे कोई आर्थिक अर्थोपार्जन की आवश्यकता नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, तो किसी पारमार्थिक कार्य में, किसी सामाजिक धार्मिक संगठन में अपनी सेवाएं समर्पित करें। और यदि किसी की ऐसी स्थिति नहीं है तो उसको चाहिए एक लिमिटेड टाइम अर्थोपार्जन में दे, बाकी परमार्थ में अपने आप को समर्पित करें। मानविक जैन बेंगलोर से पूछ रहे हैं महर्षि, ये 10 वर्ष के हैं और पूछ रहे हैं कि आशीर्वाद कैसे काम करता है। आशीर्वाद कैसे काम करता है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए आशीर्वाद का, हम लोग आशीर्वाद देते नहीं हैं, आप लोग लेते हैं। जो आशीर्वाद लेता उस पर आशीर्वाद काम करता है, जो आशीर्वाद नहीं ले पाता उसको आशीर्वाद कोई काम नहीं कर पाता। अब देखिए आशीर्वाद क्या करता है, आशीर्वाद है क्या, पहला तो ये सब है ना। आशीर्वाद क्या है, जो आपत्ति में फंसे हुए व्यक्ति के शिव यानी कल्याण का वादा कर दे, वाद कर दे, उसका नाम आशीर्वाद। समझ, आशीर्वाद आपत्ति में फंसे हुए व्यक्ति के लिए शिव कल्याण का वाद करे तो तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा उद्धार हो, यही तो आशीर्वाद और क्या है। हाथ उठा दिया, आशीर्वाद दे दिया। ये कैसे काम करता है, आप किसी गुरु के प्रति श्रद्धावान हो, आपने अपने मन की कोई भावना उनके समक्ष रखी, उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया, निश्चित महापुरुषों के तप त्याग का अपना प्रभाव होता है, उनके हाथ उठाने मात्र से उनकी जो तपस्या की शक्ति है वो बाहर निकलती है, वो ऊर्जा सामने वालों को कुछ न कुछ अंश में प्रभावित तो करती है, लेकिन उससे ज़्यादा असर आपके भीतर का है। आपके हृदय में श्रद्धा है, ये महान है, मेरे गुरु है, इनका आशीर्वाद मुझ पर असर करेगा, माइंडसेट बदल गया, सब कॉन्शियस में बात वैसी बैठ गई, उससे आपकी सोच में परिवर्तन आ गया और सोच में परिवर्तन आते ही प्रवृत्तियाँ बदल जाती, वैसे सारे वाइब्रेशंस आने लगते हैं और सारा काम हो जाता है। मैं एक घटना सुनाना चाहूँगा। एक राजा का राज्य खो गया, अचानक परचक्र के आक्रमण के कारण वो अपने आप को संभाल नहीं सका और सारा राजपाट सब छोड़कर भागना पड़ा, जंगल में था, उसके साथ उस सेना की 2-4 छोटी सी लोगों की टुकड़ी थी। वहीं उसे एक संत मिल गए। संत के सामने जाकर उसने अपनी सारी व्यथा रखी। संत ने कहा, देख भाई मैं तेरा तुझसे कहता हूँ, तू अभी भी खोया हुआ राज जीत सकता है। बोले बड़ी कृपा होगी। बोले हाँ, बस देख मेरे पास एक जादुई सिक्का है, मैं इस सिक्के को उछालता हूँ तो हेड या टेल बोल देना, जो बोलेगा अगर वो आ गया तेरी विजय पक्की है।
उनने सिक्का उछाला, हेड बोला हेड आया, बोला बस अब तो पक्का है। उसने दूर रहकर अपने सैन्य संगठन को मजबूत किया और थोड़े से सैनिकों के बल पर योजनाबद्ध तरीके से आक्रमण किया और कुछ ही दिनों में खोए हुए राज्य को वापस पा लिया। जब वो फिर से राज्यासीन हुआ तो उन्हीं संत के चरणों में पहुंचा, बोला गुरुदेव आपने तो कमाल कर दिया, आपकी कृपा से मेरा खोया हुआ राज्य मिल गया। संत ने कहा मैंने क्या किया तुम्हारा भाई? नहीं नहीं, आपके चमत्कारी सिक्के का तो फल है। संत ने कहा ठीक है, एक काम कर, अपना हाथ बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया, संत ने अपने झोले से सिक्का निकाला, उसके हाथ में दिया, बोले देख क्या? बोले हेड। बोले पलट, उसमें क्या? उसमें भी हेड। वो सिक्का ऐसा था जिसके दोनों तरफ हेड था। संत ने कहा बता मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तेरे आत्मविश्वास को जगाया। समझ गए? तो बस संत कुछ नहीं करते, आशीर्वाद से और कुछ नहीं होता, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और जिसका आत्मविश्वास बढ़ता है वही सब कुछ काम करता है। इसलिए मैंने आपसे कहा आशीर्वाद दिया नहीं जाता, लिया जाता है। समझ गए? तुम्हारी श्रद्धा जितनी प्रगाढ़ होगी तुम पर उतना ही आशीर्वाद फलेगा, और श्रद्धा कमजोर होगी तो कुछ भी नहीं होगा। समझ गए? मेडिकल साइंस में भी एक प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट कहलाता है। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? तुम्हारी श्रद्धा, अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाए। अब प्रश्नों के लिए चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है छुल्लक श्री 105 समादर सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मुख पाणी महाकाव्य में दो शब्द आते हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो कि आहिस्ता 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 जो कि कुएं से पानी भरने और जीवानी करने संबंधी प्रसंग को लेकर के हैं। महाराज जी, प्रश्न ये है कि जीवानी करने का महत्व क्या है, जीवानी न करने का फल, किसी की जीवानी गिर जाने का प्रायश्चित विधान, और किसी जलाशय की जीवानी दूसरे जलाशय में डाल सकते हैं, समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, बहुत ही अच्छा जैन आचार से संबंधित सवाल है। जीवानी सबसे पहले क्या होती और ये हम क्यों करते हैं? जैन धर्म के अनुसार जल में भी जीव है, जल तो खुद जीव है ही, जल में अन्य जीव भी होते हैं। यदि उन जीवों को हम जल को वापरते हैं तो उसमें उन जीवों के घात की संभावना है। इसलिए हमारे यहाँ विधान बताया कि जब भी आप किसी जलाशय से जल की निकासी करो इत्मीनान से करो, जैसे आचार्य गुरुदेव के शब्दों में आहिस्ता आहिस्ता हड़बड़ा करने, ताकि पानी छल के नहीं, क्योंकि एक बूंद में 36,450 जीव तो वैज्ञानिक बोलते हैं, हमारे हिसाब से तो एक बूंद जल में इतने जलकायिक जीव होते हैं कि वो कबूतर के समान बनकर उड़े तो पूरे जम्बूद्वीप में छा जाए। समझ गए? त्रस जीव, एक बूंद जल में इतने जीव होते हैं कि यदि वो कबूतर के बराबर बन के उड़े तो 1,00,000 योजन के जम्बूद्वीप में छा जाए। तो उसके लिए हमारे यहाँ विधान बताया भावनात्मक करुणा का पालन करने के लिए कि उस जल को छानो, दोहरे छन्ने से, कोमल छन्ने से, छन्ना खादी का होना चाहिए, उसे डबल करके इत्मीनान से छाने, और छानने के बाद जो आपका छन्ना है उसमें छने हुए पानी का प्रवाह डालकर उसे एक बाल्टी में रख ले, और दूसरी बाल्टी को कड़ीदार बाल्टी रखा जाता था, धीरे धीरे नीचे उतारे और जल के सतह पर ले जाकर उड़ेल ले। इस संपूर्ण क्रिया को जीवानी कहा जाता है।
जो जीव रक्षा के भाव से किया जाता है। आप तर्क कर सकते हैं कि पानी में तो जीव छन ही नहीं सकते, माना छन नहीं सकते, लेकिन हमारे भावों का छनना लगता है, उसका फल तो हमें मिलता ही मिलता है, भावनात्मक करना पड़ता। तो पानी को उसी रीति से छाने, इस क्रिया का नाम है जीवानी, ताकि हम जीव हिंसा के पाप से बच सके, इसीलिए जीवानी की जाती है। और जीवानी के जल को सुरक्षित रखे, संरक्षित रखे, उसे इधर उधर कहीं न डालें, वापस उसी जलाशय में डालें। एक बार जीवानी इधर उधर हो जाती, गुरुदेव एक उपवास का प्रायश्चित देते हैं, अगर व्रतियों के द्वारा ऐसा होता है। आप बरसात के पानी की बात बाद में बता रहा हूँ, अभी किसकी बात चल रही, कुएं के पानी। तो वो एक दिन की जीवानी इधर उधर हो जाए तो गुरुदेव एक उपवास देते हैं, सावधानी रखना चाहिए, समझ गए। तो जीवानी का प्रायश्चित है, जीवानी नहीं करना ठीक नहीं, और जिस जलाशय से जल लाए हैं आपको वहीं जीवानी करनी चाहिए, क्योंकि सबका योनि स्थान भिन्न भिन्न। अब एलक जी ने पूछा है बरसात के पानी की जीवानी कैसे करें। देखिए कायदे से तो बरसात का जल प्रासुक है, उसे छानने की भी जरूरत नहीं है। वर्षाम्बु अमृतम, ऐसा कल्याण कारक में लिखा है। उसे जो छाना जाता है वह केवल एक परंपरा के निर्वाह से। अब बारिश के जल को कहाँ डालिएगा, तो जिस दिन बारिश आए उसी दिन बारिश में बरस को बहा दो, और क्या उपाय। तो कैसे करें महाराज, तो मैं तो उसका एक सॉल्यूशन देता हूँ, एक जार रखो, रोज जीवानी करके उसमें छान के रखो, अनछना पानी उसमें डलता रहे, छना यूज करो, ज़्यादा हो जाए फिर छान लो उसको, और छान के मैगजिमम को यूज कर लो, थोड़ा सा बचा लो, और जिस दिन बारिश आए उसको बहा दो, हिसाब बराबर हो गए वो बारिश का पानी। ये भी जो मैंने आपसे कहा है केवल परंपरा के निर्वाह के लिए। आजकल लोगों का प्रमाद बढ़ता जा रहा है, व्रतियों में भी प्रमाद है। अव्रती तो सब नल का पानी, बोरिंग का पानी पीने लगे, व्रतियों को भी सावधानी और सजगता रखनी चाहिए। परम पूज गुरुदेव ने बुंदेलखंड को अपनी साधना स्थली के रूप में चुना, उसके पीछे उन्होंने एक घटना सुनाई थी। जब वे ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि के बाद 1975 में मध्य प्रदेश की ओर आ रहे थे, तो ताल बेहट नाम के एक गांव में उनका प्रवास हुआ। वो खुली धूप में सामायिक कर रहे थे, और उसी अवधि में जब वो सामायिक कर रहे थे तो देखा एक बच्चा कुएं से पानी निकाल रहा है, बड़े इत्मीनान से निकाल रहा है, कड़ी वाली बाल्टी है, वापस बाल्टी को नीचे ले जा कर के उसको कुएं से पानी निकाला, छाना जैसे तेल छान रहे, साथ में एक परात भी रखा ताकि एक बूंद पानी न छलके, और फिर बिन छानी को वापस अपने बाल्टी में डाला और कड़ी डाल बाल्टी से ले जा कर के नीचे उतार दिया। गुरुदेव ने ये सब देखा तो उन्होंने लगा ये धरा निश्चित बड़ी पवित्र धरती है, जिस धरती में 10-12 साल के बच्चे में ऐसे संस्कार है वो धरा जरूर आगे बढ़ेगी। और इसीलिए गुरुदेव ने मन बना लिया कि अब हमें ऐसा प्रसंग है। तो ये छानने की बात ढंग से करनी चाहिए, जीवानी में किसी तरह का प्रमाद नहीं होने देना चाहिए। निवेदन है शुल्लक श्री 105 आदर सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें बोधि की प्राप्ति कराएं। कल आदर सागर जी, कल जी आदर सागर जी। नमोस्तु पूर्वक निवेदन परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न प्रेषित कर हमें समाधान मनोत का पान कराएं। नमोस्तु महाराज। समय बुलाया करो। बोलो बोलो। तत्वर सूत्र में एक सूत्र आता है धर्मासिकाया भावात, धर्म द्रव्य रूपी निमित्त के अभाव में अनंत शक्तिधारी सिद्ध भगवान भी
श्लोक के पार नहीं जा पाते। और एक तरफ ये कहते हैं कि एक द्रव दूसरे द्रव कुछ नहीं करता, निमित्ताधीन दृष्टि नहीं रखना, तो ये निमित्त को इतना शक्तिशाली बताया, और एक तरफ ये कह रहे हैं कि एक द्रव दूसरे द्रव कुछ नहीं करता। देखिए अपन तो अनेकांत के अनुयायी है, मुझसे पूछे एक द्रव दूसरे द्रव का करता है तो मैं कहूँगा करता है, और मुझसे पूछे एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता तो मैं कहूँगा नहीं करता। महाराज कैसे? बिल्कुल सहज है। मैं एक बड़ा व्यवहारिक उत्तर दे रहा हूँ, तात्विक विवेचना तो मैं बहुत विस्तार से कर सकता हूँ लेकिन उधर नहीं जाना चाहता। पर मैं क्या कहता हूँ, दोनों को मानो। जब कोई दूसरा तुम्हारे प्रति बुरा करने लगे तो सोचो एक द्रव दूसरे द्रव का क्या करेगा, वो मेरा क्या बुरा कर सकता है? समझ गए? वो मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। कोई दूसरा तुम्हारे लिए बुरा निमित्त बने तो एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता। ठीक, तुम किसी का अच्छा करने को उद्यत हो तो ये सोचो एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता, मैं तो केवल निमित्त हूं। अहंकार से और भय से बचने का एक रास्ता है। कोई दूसरा तुम्हारा अच्छा करे तो सोचो ये उसकी कृपा का फल है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखो, एक द्रव दूसरे द्रव का करता, ये उनकी कृपा से हुआ। और तुम कभी बुरा करने लगो किसी को तो सोचो बुरे का फल बुरा होगा, मैं जिसके लिए बुरा निमित्त बनूंगा मेरा बुरा होगा, इसलिए मुझे बचना है, मुझे किसी का बुरा नहीं करना। बस ये दृष्टिकोण रखो तो शास्त्र पढ़ने का व्यवहारिक लाभ है, नहीं तो लड़ते रहोगे एक द्रव दूसरे द्रव का नहीं करता और एक करता है। देखो पंडित कैलाश चंद्र जी सिद्धांत शास्त्री ने एक संस्मरण सुनाया था वाचना में 1985 में खुरई में, उन्होंने कहा कि सोनगढ़ में विद्वत परिषद का सम्मेलन था, उसके अध्यक्ष उस समय विद्वत अखिल भारतीय विद्वत परिषद के अध्यक्ष पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री थे। विद्वानों का सम्मेलन था और एक सत्र उसके चूंकि अध्यक्ष थे, अध्यक्षता वो कर रहे थे, जब वो अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में खड़े हुए तो उन्होंने अपना वक्तव्य जारी करते हुए एक बड़ी बात कही जो मैंने उनके मुख से सुना था, जो उन्होंने रिपीट की थी कि लोग कहते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता, लोग कहते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता पर यह मुझे समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता पर यह मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि इतना बड़ा ये जो समायोजन हुआ है ये तो सब जो वहां के प्रवर्तक थे उनके शब्दों में उनको स्वामी कहते थे, बोले इनके ही निमित्त से हुआ है, अगर ये नहीं बुलाते तो हम कैसे आते। समझ गए? उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया को जैन संदेश के एक संपादकीय लेख में लिखा, जैन संदेश के वो संपादक थे और उन दिनों जैन संदेश जैन समाज की बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका थी, उसमें एक संपादकीय लेख लिखा जिसका शीर्षक था एक नया पोपडम। पहली बार किसी ने इस धारणा को पर विश्वास रखने वाले के लिए पोप डम शब्द का प्रयोग किया। समझ गए? तो ये चीजें हैं। एक बार एक सज्जन ने कहा, वो यूरोप और अमेरिका के कुछ देशों में घूमने के लिए गए, कनाडा में गए तो वहाँ एक युवती ने उनसे एक सवाल किया, आप यहाँ क्यों आए? बोले आप सबको जैन धर्म का ज्ञान कराने। बोले जैन धर्म का ज्ञान कराने के लिए आप इतनी दूर चलकर क्यों आए? बोले क्यों? बोले जब जैन धर्म में ये कहा जाता है एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता तो आप हिंदुस्तान से चलकर यहां तक क्यों आए? बोले आपको किसने बताया? बोले मेरी माँ ने। मेरी माँ ने? आपकी माँ को किसने बताया? बोले डॉक्टर भारिल ने।
आपको किसने बताया? मेरी माँ ने। आपकी माँ को किसने बताया? बोले डॉक्टर भादिल ने। तो उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब ये है कि डॉक्टर भारिल ने आपकी माँ को और आपकी माँ ने आपको ये अच्छे से समझा दिया कि एक द्रव दूसरे द्रव को समझा नहीं सकता। समझ में आई कि नहीं? बजाओ ताली। मैं समझता हूं अब ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। नमोस्तु पूर्वक निवेदन में परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रश्न करने की कृपा करें। नमोस्तु। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, ग्रंथों में पढ़ा है कि जिन्होंने चार घातिया कर्मों का नाश कर दिया, ऐसे 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती जो केवल ज्ञानी होते हैं उन्हें केवली कहते हैं। किंतु एक श्रुत केवली शब्द भी आता है, वे सामान्य मुनिराज होते हैं, उनकी कैसी क्या व्यवस्था होती है? क्योंकि उसमें कई केवली शब्द की अपेक्षा से कुछ लोग केवल ज्ञानी ही समझ लेते हैं, उनमें क्या अंतर है? कृपया। बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने पूछा है और ये बहुतों की शंका का निवारण करेगा। श्रुत केवली, सबसे पहले श्रुत शब्द को समझिए। श्रुत किसे कहते हैं? हमारे तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित तत्व जो होता है उसको बोलते हैं श्रुत। तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा प्रतिपादित तत्व को श्रुत कहते हैं और जो उसके पूर्ण ज्ञाता होते हैं उनको बोलते हैं श्रुत केवली। जिन्होंने केवल का अर्थ पूर्णता भी होता, तो जिन्होंने श्रुत का पूर्ण ज्ञान पा लिया वो श्रुत केवली, और जिन्होंने संपूर्ण ज्ञान पा लिया वो केवली। तो केवल ज्ञानी में और श्रुत केवली में अंतर है। केवल ज्ञानी सबको प्रत्यक्ष जानते हैं और श्रुत केवली जितना भगवान ने बताया जो द्वादशांग में निबद्ध हुआ उसे जानते हैं। ये श्रुत केवली का अर्थ है। श्रुत केवली मुनिराज होते हैं, वे हमारे तरह सामान्य शब्द तो मैं नहीं कह सकता लेकिन वो मुनि महाराज होते हैं, महान होते हैं। उनका अपना तप तेज होता है और निकट भव होते हैं, या तो उसी भाव में मोक्ष चले जाए या एक दो भाव में मोक्ष चले जाते हैं। जो श्रुत केवलित्व को प्राप्त होते हैं वे अपने उस भाव में असंयम को प्राप्त नहीं होते और पूरे संसार काल में उनका सम्यक तो नष्ट नहीं होता, वो अति शीघ्र मुक्ति के अधिकारी बनते। अब प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से कार्यक्रम को गति देंगे ब्रह्मचारी विजय भैया जी। बंधुओं, प्रत्यक्ष में मैं प्रश्नकर्ताओं को यहाँ पर आमंत्रित करूँ उसके पूर्व बड़े सम्मान के साथ मैं आवाज़ दे रहा हूँ। आज हमारे बीच में सुनील जी, राजरानी जी बिलाला, प्रांतीय अध्यक्ष इंदौर से यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने आज अमृत सिद्धि कलश यहाँ पर चातुर्मास कलश के रूप में यहाँ पर स्थापित किया है। मैं निवेदन करता हूँ उनसे, पहले से ही स्थापित था, आज यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं निवेदन करता हूँ, स्थापन करता मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में इनको बुला रहा हूँ और इनका अभिनंदन करने के लिए बड़े सम्मान के साथ आवाज देता हूँ। हमारे बीच में हमारे गुणायतन के सीईओ माननीय सुभाष जी और एनर्जी एंस, आपसे निवेदन करता हूँ कृपया आइएगा और इनका अभिनंदन करेंगे। सुनील जी और एनसीजेंस, आपसे निवेदन करता हूँ, कार्य अध्यक्ष हमारे बीच में दिल्ली से आए और सुनील जी बिलाला, राजरानी जी बिलाला का अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार जोरदार कर्तर ध्वनि से बंधु हम इनका अभिनंदन करते हैं। जोरदार कर्तर ध्वनि से आइएगा। माननीय सुभाष जी, पूनम जी आ रहे हैं इनका अभिनंदन करने के लिए। माननीय एनसीजेंस आप पहुँच रहे हैं और इसी के साथ साथ बंधुओं मैं आवाज दे रहा हूँ जब तक मंच पर पहुँचेंगे, जो कि आज हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, जिन्होंने आज नित्य शांति धारा में अपने आप को जोड़ लिया है और निवेदन कर रहा हूं, मुकेश जी चंदन वाला जी पाटोदी, जिन्होंने एक अमृत सिद्धि कलश भी स्थापित जो हो चुका था, आज उन्होंने ये सौभाग्य पाया है प्रथम शांति धारा के साथ। निवेदन कर रहा हूं कृपया मंच के ऊपर आएंगे, पुनः पुनः ताली बजा करके हम अभिनंदन करते हैं इनका। मैं मुकेश जी से निवेदन करता हूँ मंच के ऊपर आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ हमारे बीच में बंधुओं मैं विजय जी, साधना जी जो कि विधि सलाहकार है हमारे गुणायतन के, निवेदन करता हूँ कृपया आइएगा और साथ ही साथ निवेदन करता हूँ मैं कपूर जी से, कृपया आए और इनका अभिनंदन करेंगे। और साथ ही साथ प्रथम प्रश्न के रूप में बिलाला जी यहाँ उपस्थित हैं, संजय जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं,
मैं पहले सबसे पहले सम्मान की इस कड़ी में निवेदन करता हूं, पुनः पुनः ताली बजा करके इनका हम अभिनंदन कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं अगर यहां पर उपस्थित है जिन्होंने अपने आप को निर्वाण निधि से निर्वाण सारथी के रूप में जोड़ा है, नरपेंद्र सिंह जी, श्रीमती विनोद जी नोएडा उत्तर प्रदेश से अगर यहां पर आ चुके हों तो उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। कृपया अगर यहां उपस्थित हैं तो मंच पर ऊपर आए, उनका भी अभिनंदन करता है गुणायतन और सेवायतन परिवार। जोरदार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं बंधुओं। और इसी कड़ी में मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय सुनील जी विलाला, साथ ही साथ संजय जी विलाला, सरिता जी विलाला आ रहे हैं अपने प्रश्न को लेकर के, और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा माननीय एनसी जैन साहब दिल्ली से। नमस्ते गुरुदेव, इच्छामि गुरुदेव। भगवान का मोक्ष कैसे होता है, और भगवान के मोक्ष के बाद उनके परिवार के लोग दुखी होते हैं या सुखी, मतलब खुशी मनाते हैं? बहुत अच्छा। देखो भगवान का मोक्ष कैसे होता है, भगवान तो समोसरण में रहते हैं, दिव्य उपदेश होते हैं, और उस दिव्य उपदेश में रहते हुए एक समय के बाद जब उनका समोसरण छूटता है वे ध्यान में निमग्न होते हैं, और जब उनकी ध्यान की पूर्णता होती आयु पूर्ण होता है, आयु पूर्ण होते ही शरीर कपूर की तरह उड़ता है और आत्मा सिद्धालय में पहुंच जाती है। तीन लोक में हलचल मचती है, चारों निकाय के देव वहां आकर उनका सत्कार करते हैं, आप सब जानते हैं। आपका जो सवाल है कि परिवार के लोग दुखी होते हैं या हर्षित होते हैं, देखिए वे अगर देखा जाए तो दुखी भी होते हैं और दूसरी तरफ से देखा जाए तो हर्षित भी होते हैं। परिवार के लोग क्या सब भक्त लोग, ऐसा प्रसंग आता है संभवतः भरतेश वैभव में कि जब भगवान ऋषभदेव का निर्वाण हुआ तो भरत चक्रवर्ती फूट फूट के रोने लगा। भगवान के निर्वाण का समाचार सुनकर भरत चक्रवर्ती जब रोने लगा तो उससे इंद्र ने पूछा, क्यों चक्री, तुझे भगवान का निर्वाण जाना अच्छा नहीं लगा क्या? क्यों चक्री, तुझे भगवान का निर्वाण जाना अच्छा नहीं लगा क्या? तो उसने कहा, नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि भगवान निर्वाण क्यों गए, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अब हमें तत्वोपदेश किससे मिलेगा। समझ गए? तो तत्वज्ञों के हृदय में महान आत्माओं के बिछोह से यत किंचित दुख भी होता है तो उनके बिछोह का नहीं, उनके सानिध्य के सुख से वंचित होने का होता है। समझ गए? ऐसा ही समझ। नमस्ते राजरानी जी विलाला, और उसी के बाद संजय जी, सरिता जी विलाला। नमस्ते गुरुदेव, इच्छामि महाराज जी। गुरु जी, ओम। डोर लंबी हो तो इसका मतलब यह नहीं कि पतंग ऊपर तक जाएगी, उड़ाने का तरीका आना चाहिए। धन अधिक का अर्थ सफल जीवन नहीं जीने का तरीका आना चाहिए। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि जीने का तरीका कैसा होना चाहिए? जीने का तरीका कैसे होना चाहिए, जैसे पतंग उड़ाते हैं, न ज़्यादा ढील लेनी चाहिए न ज़्यादा टाइट करनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कहीं पेच न लड़े, और पेच फंसे तो हम न कटे सामने वाले को काट दें, और वो तभी कर पाता है जो सही पतंगबाज होता है। कहाँ ढील लेना कहीं कहाँ खींचना है, दोनों तरह की बातें होती। बचपन में हमने बहुत पतंग उड़ाए हैं, अनुभव है, तो कभी ढील भी देनी पड़ती है, कभी खींचनी भी पड़ती है। जहाँ जो जैसा हो वैसे ही उड़ान भरो तो पतंग उड़ती रहेगी, कभी कटेगी नहीं। समझ गए ना? तो बस मैं ये कहता हूँ, मनुष्य के अंदर इतना विवेक हो कि किस प्रसंग और किस परिस्थिति में हमें कैसे जीना है, समय और परिस्थिति के साथ जो अपने आप को ढालने में समर्थ होता है वही मनुष्य जीवन का पूर्ण आनंद ले पाता है। संजय जी और सरिता जी, नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु, इच्छामि गुरुवर। गुरुवर, बार बार प्रसंग आता है यहाँ पर जनरेशन गैप का, अलग अलग तरीके से। मैंने एक विश्लेषण किया था जिसमें संस्कृति, संपत्ति और संतति तीनों का कॉम्बिनेशन में आगे जाके गैप बढ़ती चली जाएगी, जिस प्रकार से आज
विवाह में गैप होती जा रही है, अधिक उम्र में विवाह हो रहे हैं, जनेतर विवाह ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये आगे जाके इसकी कैसे संभावना बनेगी, एक गैप कैसे पूरी होगी? देखिए बहुत ज्वलंत सवाल है और इस पर नित्य चर्चा होती है। मुझे लगता है ये सब चीज़ों को रोक पाना अब संभव नहीं। समय काल के अनुसार चीज़ें बदलेगी और लोग उसको भुगतेंगे। परिस्थितियाँ पूरी तरह बिगड़ रही है और मुझे लगता है आने वाला समय इतना ख़राब होगा कि सब लोग वर्ण संकर की ओर मुड़ जाएंगे और वर्ण संकरता हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बने। और निवेदन कर रहा हूँ, एनसी जैन साहब आए, उसके पूर्व हमारे बीच में श्रीमान श्री मेनन जी कलकत्ता से एडवोकेट हाईकोर्ट, हम मैं निवेदन करता हूँ कृपया मंच के ऊपर आए और अभिनंदन करता है गुणायतन श्री सेवायतन परिवार श्रीमान मेनन सिंह साहब। मेनन जी आ रहे हैं कलकत्ता हाईकोर्ट, सपत्नी मैं निवेदन करता हूँ कि सपत्नी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जोरदार ताली बजा करके उनका अपन अभिनंदन करते हैं। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं तो भैया दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के वकील जो कि हमारे गुणायतन के विधि सलाहकार है माननीय विजय जी साधना जी से निवेदन करता हूँ, कृपया आप आए और इनका अभिनंदन करेंगे। पुनः पुनः जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करते हैं। और प्रश्नकर्ता के रूप में मैं निवेदन करूंगा हमारे गुणायतन के कार्य अध्यक्ष माननीय एन सी जैन साहब, और उसी के बाद फिर निवेदन करूंगा डॉक्टर प्रद्युम्न जी दिल्ली। पुनः पुनः तालियां बजा करके बंधु हम अभिनंदन कर रहे हैं जिन्होंने अपने आप को जोड़ लिया है गुणायतन से, गुरुदेव से जुड़ गए हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। अभिनंदन कर रहा है गुणायतन श्री सेवायतन परिवार। ऐसे ही लोग जुड़ते जाएंगे बंधुओं, कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी, वो दिन दूर नहीं जब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में हम एक अभूतपूर्व दृश्य यहाँ पर अपन देखेंगे, वो समय भी बहुत निकट आने वाला है। और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में इस बार तो बंधुओं जब दस लक्षण महापर्व आएगा, विशाल शिविर का आयोजन मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, बहुत लोगों ने अपनी स्वीकृतियाँ दे करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो पहले से ही अपनी स्वीकृति दे करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे कि हमारा यह गुणायतन सेवायतन परिवार आपकी समुचित व्यवस्था कर सके। लीजिएगा, अगर प्रश्न रख रहे हैं तो मैनेजर साहब से निवेदन करता हूं वो प्रश्न रखें, माननीय एनसी जैन साहब आइएगा। मनीष श्री के चरणों में मेरा परिवार और समस्त दिल्ली जैन समाज का त्रैबार नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। मनीष श्री, मनुष्य पहले जैसा मासूम नहीं रहा, पत्थर तो नहीं बना लेकिन मोम भी नहीं रहा। संवेदनशीलता इतनी घटती जा रही है कि अब तो ये देखा जाने लगा कि किसी दूसरे को तकलीफ हो तो लोग मजा लेने लगते हैं। तो ये दिनों दिन जो संवेदनशीलता घटती जा रही है, हमें दिल में कैसे संवेदनशील बने रहे खुद के लिए और दूसरों के लिए, तो उसके लिए मुनि श्री कुछ। देखिए, संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए हमें चाहिए कि हम सहअस्तित्व की भावना जगाएं। जब तक हमारे हृदय में सहअस्तित्व की भावना नहीं जगती, तब तक सच्चे अर्थों में हम संवेदनशील नहीं बन सकते। सहअस्तित्व का मतलब है अपने साथ औरों के अस्तित्व का आभास करना। हमारा धर्म हमें कहता है आत्म साम्य की भावना में जियो, सबके प्रति आत्मोपौम्य हो, सर्वभूतात्म भावना हो, जैसा मैं हूँ वैसे सब हैं, जैसे मेरे प्राण हैं वैसे औरों के प्राण हैं, जैसे मैं जीना चाहता हूँ वैसे ही और जीना चाहते हैं, जैसे मुझे सुख प्रिय है वैसे ही औरों को भी सुख प्रिय है, जैसे मैं मरना नहीं चाहता वैसे ही और भी मरना नहीं चाहते, जैसे मुझे दुख अप्रिय है वैसे ही औरों को भी दुख अप्रिय है। यह प्रतीति जिस व्यक्ति के हृदय में आ जाती है उसके अंदर की संवेदना अपने आप जगती है। यदि दूसरे शब्दों में कहूँ तो अपनत्व की भावना में संवेदना का विकास होता है। जितने के प्रति अपनत्व का भाव होगा उनके प्रति संवेदना होगी,
और आप ये संवेदना हीनाधिक मात्रा में हर प्राणी में देखोगे। क्रूर से क्रूर प्राणी भी कहीं न कहीं संवेदनशील होता है। एक कसाई अपने जिन क्रूर हाथों से अनेक प्राणियों का नित्य वध करता है, उन्हीं हाथों से अपने बच्चे को खिलाता भी है। क्यों? जिन प्राणियों का वो वध कर रहा है वो उसके लिए उसका माल है, और जिस बच्चे को खिला रहा है वो उसके जी का लाल है। जब वो जी का लाल बन जाता है तो संवेदना आती है। एक बिल्ली अपने जिस मुख से चूहे को पकड़ती है उसी मुख से अपने बच्चे को भी उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखती है। क्यों? चूहा उसका शिकार है और उसका बच्चा उसके जिगर का टुकड़ा है। ये अंतर है। अपनत्व के विकास से ही संवेदना बढ़ेगी, इसलिए सभी के प्रति अपनत्व विकसित हो, ऐसा प्रयास। नमस्तु। निवेदन कर रहा हूं मैं डॉक्टर प्रद्युम्न जी दिल्ली, और इसी के बाद फिर तैयार रहेंगी सरिता जी टिमरनी से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जैसा शास्त्रों में हमारे बताया गया है कि जो पृथ्वी है शाश्वत पृथ्वी, वो तस्त्री नुमा गोल है, उसी प्रकार हमें बचपन से कहा गया कि चंद्रमा पर चैताल्य है भगवान का। लेकिन अभी अब जब देखने में आता है कि हमारे कई देशों के साइंटिस्टों ने अपने चंद्रयान उतारे हैं, वहाँ कोई अभी तक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला, तो मैं ये जानना चाहता हूँ महाराज श्री, जो हमें बताया गया चंद्रमा, जिस चंद्रमा पे चैताल्य है, ये वो चंद्रमा असत्य है या वो बात असत्य है? देखिए, इस सवाल का उत्तर मैंने अनेक सर दिया। खगोल और भूगोल के विषय में मैंने अनेक बार उत्तर दिया, बहुत विस्तार से उत्तर दिया, इसलिए मैं चाहूँगा कि ये सवाल यहाँ न उठाना ही अच्छा है। आगे लीजिए सरिता जी टिमरनी, और इसी के बाद तैयार रहेंगे खेमचंद जी, रेखा जी, अक्षिता, अक्षत जैन जयपुर से। दोय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, एलक जी सुलक जी को इच्छामी। महाराज जी, संसार को दुख रूप जानकर कई बार क्षणिक वैराग्य आता है, इस क्षणिक वैराग्य को स्थायी वैराग्य बदलने के लिए क्या करना चाहिए? जो दुखपूर्ण घटना घटी है उसको नित्य याद करो, उससे पाठ पढ़ो, वैराग्य बढ़े। खेमचंद जी, रेखा जी, अक्षिता, अक्षत जैन जयपुर से। और फिर मैं निवेदन करूंगा अजय जी लाठरी हमारे बीच में है सागर से। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपको दीक्षा आपने आपके गुरु ने दी, उनको दीक्षा उनके गुरु ने दी, और उनको उनके गुरु ने दी, तो भगवान श्री आदिनाथ को दीक्षा किसने दी? और अगर किसी ने नहीं दी तो क्या बिना गुरु के भी दीक्षा हो जाती है? जबकि आपने आप कहते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। कृपया मेरी शंका का समाधान। बिल्कुल सही, आदिनाथ भगवान ने, अगर हमसे पूछो तो मैं कहूँगा किसी को गुरु नहीं बनाया, पर अगर दूसरे तरीके से पूछो तो मैं कहूँगा वो गुरु बनाए, इसीलिए परम गुरु बने। समझ गए? आदिनाथ भगवान के अतीत को देखो, वो अपने 10 भावों से गुरुओं की सेवा की, गुरुओं की शरण की, उनने जो तीर्थंकरत्व की क्षमता पाई वो भी गुरु शरण में पाई। समझ गए? तो उनकी साधना में क्रमिक विकास हो रहा था, जिससे वे अपनी चेतना को उत्कृष्टतम बनाते गए, निखारते गए, और जब तीर्थंकर के रूप में जन्मे तो उनके अंदर ऐसी योग्यता प्रकाशित हो गई कि वे परम गुरु हो गए। तो प्रत्यक्ष रूप से भले उनने किसी को गुरु नहीं बनाया, पर परंपरा से बिना गुरु के वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इसलिए मैं दोहराऊँगा, जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। कभी आदिनाथ भगवान हमारी तरह किसी गुरु की शरण में थे तब वहाँ पहुँचे। समझ गए? चलिए, निवेदन कर रहा हूँ अजय जी लाठरी सागर से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूँगा मुकेश जी चंदनवाला जी पाटोदी शिरोमणि संरक्षक। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 इक्षामि 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 इक्षामि। दर्शन पाठ में गुरुदेव पढ़ते हैं, जन्म जन्म कृतम पापम, जन्म कोटि पार्जितम, जन्म मृत्यु जरा रोगे, हन्य ते जिन दर्शनात्। जिनदेव के दर्शन का महत्व बताएं। देखिए, इसी में महत्व है। भगवान का जो दर्शन करता है, तुम्हारे द्वारा उच्चारित शब्दों के आधार पर मैं कहूँगा जन्म जन्म कृतम पापम, जन्म जन्मांतरों का किया गया पाप, जन्म मृत्यु समार्जितम,
जन्म जन्म समार्जितम, ये जन्म कोटि समार्जितम, करोड़ों जन्मों में जो हमने पाप अर्जित किया है, ऐसे जन्म मृत्यु जरा मूलम, और जन्म मृत्यु और जरा का जो मूल है वो भगवान के दर्शन से नष्ट हो जाता है। अगर एक वाक्य में कहूँ तो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन हो जाता है और हमारा अनंत संसार सिमट करके चुल्लू भर रह जाता है, समझ गए? इसलिए भगवान का दर्शन नित्य होना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। निवेदन कर रहा हूँ मुकेश जी चंद्रवाला जी पाटोदी शिरोमणि से नक्षक गुणायतन, और इसी के बाद फिर निवेदन करूंगा जेके जैन साहब नोएडा से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी जैसे सुबह शांति धारा कर रहे थे उस समय ऐसा मन था कि शांति धारा ही करना है, लेकिन अचानक आपने संबोधन किया, हमने सालाना शांति धारा के रोज नियमित शांति धारा का मन एक सेकंड में बना, अमृत कलश दूसरा लेना था अमृत सिद्धि का एक मिनट में मन बना, फिर बिलाल जी का तुरंत बना, तो महाराज जी ये समझ नहीं आया कि एक कुछ सेकंडों में मन कैसे एकदम परिवर्तन हो गया। देखो अच्छे कार्य के लिए मन तभी बनता है जब हमारा भवितव्य अच्छा हो, समझ गए? द्रव्य सबके पास होता है लेकिन अच्छे कार्य में बिरलों का ही द्रव्य लग पाता है, तो जब हम कोई काम करें अच्छा काम करें जब मन आ जाए तो करें, और फिर जैसा निमित्त होता है, समझ गए? सामने वाला जैसा निमित्त है, निमित्त पावरफुल हो तो काम बन जाता है और निमित्त कमजोर हो तो मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए एक सीख लो, सदैव अनुकूल निमित्तों का आश्रय लो। ये आप गृहस्थों की बात नहीं, आचार्य पूज्यपाद ने खुद की भावना प्रकट करते हुए मुनियों के लिए भी कहा, तद्रव्य मव्य मुदेतु शुभ सदेश संतन्नताम प्रतपताम सततम सकाल भाव सनंदतु सदा यदनुग्रहेन रत्नत्रयम प्रतिपति ही मुमुक्षु वर्ग। हे भगवान, मुझे हमेशा ऐसे द्रव्य ऐसे क्षेत्र ऐसे काल और भाव का समागम मिलता रहे जिससे मेरा मोक्ष मार्ग पलता रहे, समझ गए? तो ऐसे निमित्तों का आश्रय लो जिससे उत्तरोत्तर बढ़ सके, समझ गए? मैं चाहूँगा एक बार इन दोनों के भावों के लिए भी आप लोग जोरदार अनुमोदना कर दें, बहुत उदार भाव है और ऐसी उदारता वृंदिंगत होते रहे। मैं मुकेश भाई को और सुनील भाई को यही आशीर्वाद देता हूँ। निवेदन कर रहा हूँ जेके जैन साहब नोएडा से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा विजय साधना जी विधि सलाहकार गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुलक महाराज जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। गुरुदेव मेरी शंका ये है कि हमारे व्रत उपवास और तप त्याग करने के भाव दृढ़ नहीं हो पाते हैं, मन में डर लगा रहता है बुखार आ जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी, तो हम अपने अंदर में ऐसी दृढ़ता कैसे प्रकट करें कि बहुत अच्छे से व्रत उपवास और त्याग तपस्या करें? काम कर लो, थोड़े दिन हम लोगों के पास रह लो, दृढ़ता आ जाएगी। एक बहन जी थी, वो कहती थी महाराज मुझसे उपवास ही नहीं होता, मैं सोचती हूँ तो मुझे तो बिल्कुल एक दिन पहले से टेंशन होने लगता है, महाराज मैं क्या करूँ। तो चतुर्मास में प्रायः मैं अष्टमी चतुर्दशी उपवास करता हूँ, तो मैंने कहा एक काम करना, जिस दिन मेरा उपवास हो उस दिन तुम भी उपवास करना। महाराज उससे हो जाएगा? मतलब हो जाएगा, तुम एक काम करना थोड़ा टाइम लेना, पहले 12 बजे तक का त्याग करना, फिर आगे देखेंगे। उसने ले लिया, वो मंदिर में थी, 12 बजे हमने बोला क्या हाल है, बोले महाराज अच्छा लग रहा है। बोले आप क्या करना है, बोले 4 बजे तक का बढ़ा देते हैं। 4 बजे, बोले आप कैसा, बोले महाराज ठीक लग रहा है। बोले आप क्या करना, बोले महाराज आप तो उपवास दे दो। दूसरे दिन आई, हमने बोला कैसा, बोले रात में थोड़ा डलनेस लग रही थी महाराज, लेकिन ठीक है आपकी कृपा से, बोले उल्टी बोले कुछ नहीं हुई, ठीक है। उसके 8 रोज बाद फिर हमारा दूसरा उपवास हुआ, फिर वो आ गई। अब की बार बोले महाराज आप तो पूरे दिन का उपवास दे दो, ले लिया ठीक। फिर जब हुआ तीसरा उपवास किया तो बिल्कुल उपवास अच्छे से हो गया, बोले महाराज अब तो हमको कोई व्रत दे दो। बोले क्या अनुभव है 3 बार का, तो बोले पहली बार में टाइट थे, दूसरे उपवास में लाइट हुए और तीसरे में राइट हो गए। अभ्यास से चीज़ें हो जाती है,
इसलिए घबराइए नहीं, वातावरण का प्रभाव पड़ता है उसका लाभ उठाइए। निवेदन कर रहा हूँ विजय साधना जी विधि सलाहकार गुणायतन, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हजारीबाग टीम से सरिता जी और हीरा जी। गुरुदेव नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी को इच्छामि। गुरुदेव किसी ने कहा है कि अच्छे समय से ज़्यादा अच्छे इंसान से रिश्ता रखना चाहिए, क्योंकि अच्छा इंसान आपके लिए अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय आपके लिए अच्छा इंसान नहीं ला सकता है। लेकिन गुरुदेव व्यावहारिकता में तो व्यक्ति अच्छे समय का ही इंतजार करता है, मुनिशी इस बात को कैसे समझा? बहुत अच्छा वाक्य है। अच्छा समय की अपेक्षा अच्छे इंसान को हमें महत्व देना चाहिए, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। जो इस वास्तविकता को समझते हैं वो सदैव समय से ज़्यादा व्यक्ति को महत्व देते हैं। अगर इंसान गलत है तो अच्छे समय का भी दुरुपयोग होगा, और इंसान सही है तो बुरे समय का भी सदुपयोग होगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। यदि हमारे अंदर अच्छाई होगी परिणाम अच्छे जरूर आएंगे। नमोस्तु। हीरा जी और सरिता जी हजारीबाग से, और निवेदन करूंगा ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बांसा। मैं हजारीबाग से हीरा बढ़ जाता। गुरुवर आपकी महिमा को सुनकर आई आपके द्वार, यह संसार दुखों का सागर आप हो तारनहार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। कहते हैं कि बड़ा होने के बाद हमेशा ही अपनी सीमा में रहना चाहिए, क्योंकि हर बड़ी कंपनी भी अपने नाम के अंत में लिमिटेड ही लगाती है। तो महाराज जी मेरी शंका है कि हमें सीमा में रहने के लिए क्या सीमा में मतलब सीमा में रहने की क्या सीमा है, समाधान करें गुरु जी। नमस्तु नमस्तु। हमारी सीमा की क्या सीमा? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा वाक्य है। हर कंपनी में लिमिटेड रहता है, हिंदी में कहें तो मर्यादित। मर्यादित, अरे मर्यादित तो रहना ही चाहिए। और एक बात बताऊं, विकास मर्यादा में ही होता है। नदियों को देखिए, नदी बहती है, कहाँ बहती है? नदी में। किनारों की मर्यादा में, तटों की मर्यादा में बहने वाली नदी गंगा से गंगा सागर बन जाती, बढ़ती। यदि हम मर्यादा में रहें तो हमारा ह्रास नहीं विकास है। लोगों का ये भ्रमपूर्ण विश्वास है कि हमारी मर्यादाएं हमारी प्रगति को रोकती हैं, जबकि यथार्थ ये है कि मर्यादा से विकास के द्वार खुलते हैं। अगर नदी की कोई मर्यादा न हो तो नदी नदी बनेगी ही नहीं, वो किसी मरुस्थल में भटक करके नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। तो हमें चाहिए कि हम मर्यादा का पालन करें, मर्यादा में रहते हुए अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मर्यादा खंडित करने से कुछ नहीं होगा। आपने पूछा हमारे मर्यादा की मर्यादा क्या है? बस अंतिम संभावना तक जब तक हम लक्ष्य में न पहुंचे तब तक अपनी मर्यादा को न छोड़ें, और जब लक्ष्य तक पहुंच जाएं तो मर्यादा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नदी जब तक सागर में नहीं पहुंचती मर्यादा का पालन करती है, और सागर में जाते ही वो मर्यादा अतीत हो जाती है। हम अपने जीवन के चरम लक्ष्य को जब तक प्राप्त न करें तब तक हमें मर्यादा में रहने की आवश्यकता है, और उस लक्ष्य के बाद हम मर्यादा अतीत हो जाते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री। ओ इच्छा इधर की उधर लग जी। चलो बोलो जल्दी से। महाराज जी पहले लोग अनपढ़ रहते थे तो सब सारे परिवार एक साथ मिल के रहते थे, और अब टूटे हुए परिवार में सब शिक्षित रहते हैं, ऐसा क्यों? एक वाक्य में उत्तर देता हूँ। पहले लोग पढ़े लिखे कम समझदार अधिक होते थे, आजकल के लोग पढ़े लिखे अधिक समझदार कम दिखते हैं। समझ गए? आचार्य महाराज का एक हाइकू है, आज के लोग पढ़े लिखे अधिक समझदार कम। समझ गए? तो आज के लोग पढ़े लिखे अधिक समझदार कम। तो ये समझदार कम है, हमें अपनी समझदारी बनानी चाहिए। एक बार एक व्यक्ति
एक बच्ची बाजार में सब्जी लेने गई तो पहले टमाटर तुलवाया 250 ग्राम और उसके बाद 2 किलो कद्दू ली। बोले इसमें डाल दो, पहले टमाटर फिर कद्दू। तो उसने पूछा, बहन जी टमाटर के ऊपर कद्दू ले रहे? बोले तो आलो तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं MBA हूँ। बोले हाँ आप MBA हो इसीलिए टमाटर पर कद्दू डाल। चलिए समझ गए ना, इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। आदरणीय सुनीता दीदी जी बांसा। गुरुवार के चरणों में नमोस्तु, सभी अलग छुलक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, 10 लक्षण पर्व में भी दान आता है, 16 कारण भावना में भी दान आता है और श्रावक के कर्तव्यों में भी दान आता है। तो तत्पार सूत्र में एक सूत्र है कि विधि द्रव्य दात पात्र विशेषात तद विशेषः। तो जो ये सूत्र आता है तो इसका आपसे थोड़ा हम विस्तृत जानकारी से समझना चाहते हैं। आपका नंबर ऐसे समय में आया कि जानकारी के लिए अवकाश ही नहीं है, इस प्रश्न को खड़ा रखे। फिर देखेंगे आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।